सुख और दुख। सुबह से शाम तक मेरे पास सिर्फ दुख की रिपोर्टिंग होती है, शायद कोई हफ्ते में एक आध खुशखबरी सुनाता। जब अच्छी खबर होती है तो घर रहता है, जरा सा दुखी हुआ बाबा का है, बाबा दुआ करो। मैं आज तक नहीं समझ पाया सुख दुख है किधर। वेर इज सैडनेस, वेर इज हैप्पीनेस। एक लाख रुपया दे के जाऊंगा अगर आप मुझे बता दें कि दुख का एड्रेस क्या है और कहां मिलेगा। मैं 5 किलो दुख खरीदना चाहता हूं। है कहीं कोई पता किसी मॉल पे सुख दुख मिलता नहीं, किसी सुपरमार्केट में। ये हमारे ब्लैक बर्न से आए हैं, ब्लैक को बर्न करके आए हैं। आप क्या मिलता सुख दुख किसी मार्केट में किसी शॉप पे? नहीं, जमीन से निकलता है सुख दुख, जैसे गेहूं चावल दाल जमीन से, गन्ना जमीन से सुख दुख निकलता है? नहीं, आसमान से सुख दुख बरसता है, जैसे हैवी रेन स्नोफॉल। क्या सुख दुख बरसता है? नहीं। क्या किसी की कोख से सुख दुख निकलता है? नहीं। तो सुख दुख है कहाँ? वेयर इज एग्जिस्टेंस, उसका अस्तित्व कहाँ है? कभी विचार किया कि जो है ही नहीं वो होता क्यों है? पेट में बच्चा नहीं होगा तो कौन पैदा होगा? तो कोख है ही नहीं सुख दुख की, जहां कोई धरती है सुख दुख की पैदावार। मैं बताऊं, दुख है ही नहीं दुनिया में, सुख है ही नहीं, ये फीलिंग है। क्या जो हम एक्सेप्ट कर लें वो दुख नहीं, जो हम रिजेक्ट करें वो दुख। तो दुख की मदर रिजेक्शन है और सुख की माँ एक्सेप्टेंस है। मसलन हमारी माँ बहनों को सबसे बड़ा दुख होता है जब वो प्रेग्नेंट होती है। 9 मंथ्स कंटिन्यूअस कमजोरी पे कमजोरी, वीकनेस पर वीकनेस, खाने पीने का डिस्टरबेंस, जुबान का जायका खराब, नींद पे कंट्रोल नहीं। 9 महीने उसकी तपस्या, उसका त्याग, उसका बलिदान अपने होने वाले बच्चे के लिए। एक हफ्ता एक दिन नहीं, तुम 1 महीने का रोजा नहीं रख पाते, वो 9 महीने का कष्ट उठाती। और द बिगेस्ट अनपियरेबल बर्दाश्त के बाहर वो दर्द, जिसे तुम लेबर पेन कहते हो, परसों पीड़ा, ऐसी पीड़ा, ऐसा दुखावा वो झेलती है कि जैसे मौत का दर्द हो। बॉर्डर टच करके वो वापस आती है, वो है मां। मेरे नौजवानों, तुम्हारी